हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गीत ऋषि की संज्ञा से जुड़ने वाले श्रद्धेय विराट जी, श्रद्धेय रामेंद्र जी के गीत सुनने का इस बिंदु पर अवसर मिल रहा है। ये विडम्बना है, कुछ निश्चित रूप से उम्र के साथ ये जो भावना बंध जाती है कि युवा पीढ़ी को लगता है कि उसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, तो कभी कभी कुछ ऐसी विवशताएँ हैं जो हमारे बुजुर्गों को सालती हैं, लेकिन वे कवि सम्मेलन के मंच की विवशताएँ हैं, मर्यादा की विवशताएँ हैं, इसे वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं चाहूँगा इससे पहले, जैसा मैंने कहा था, मैं व्यंग के विंध्याचल भाई आस्करण अटल की तरफ बढ़ूँ, मुंबई से पधारे हुए इस व्यक्तित्व को बुलाऊँ। एक बार हम सब श्रद्धावरी तालियों से चंद्रसेन विराट जी का अभिनंदन करें, उन्होंने हमें गीत सुनाया, गीत सुनाकर अनुग्रहित किया। मैं शिष्ट हास्य के विशिष्ट कवि भाई आस्करण अटल जी को बुलाता हूँ। क्या कहूँ, इतना कहना उचित होगा, वो हास्य की मखमली म्यान में व्यंग की धारदार तलवार जैसे मुझे प्रतीत होते हैं। आइए, मुंबई से पधारे हुए भाई आस्करण अटल जी। प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज के जमाने में भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। ऐसे में इतनी देर तक बैठकर 22 कवियों को आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतना ही समय लूँगा जितना समय मैं आपको दूँगा। वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है, वाह 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 अटल जी, क्या बात है। सौभाग्यशाली थे वो कवि, वो तब काव्य पाठ कर गए जब ये पंडाल भरा था, अब आगे हैं वो कवि जो हॉल पंडाल खाली होने के बाद में काव्य पाठ कर रहे हैं। आदरणीय शिव ओम जी के संचालन में ये मेरा दूसरा दुर्भाग्य है जब मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। पिछले साल एक प्रोग्राम में ऐसे ही एक घटना घटी थी कि इन्होंने मुझे तब पुकारा जब पंडाल में हॉल में 10 श्रोता बचे थे और आज फिर 1/10 श्रोता बचे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ, मुझे नाराज़ नहीं करना चाहिए इनको, क्योंकि जिसने भी इतिहास पढ़ा वो जानता है कि छोटे भाई को नाराज करना कितना खतरनाक हो सकता है। जिसने भी इतिहास पढ़ा वो जानता है रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को नाराज किया था, रावण का क्या हाल हुआ था। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को नाराज किया था, बाली का क्या हाल हुआ था। प्रमोद महाजन ने अपने छोटे भाई प्रवीण महाजन को नाराज किया था। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आज शिव ओम अंबर जी ने आस्करण अटल को नाराज किया है, ईश्वर ही उनकी रक्षा कर सकता है। छोटी छोटी रचनाएं दो चार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझसे पहले सब कवियों ने कहा साहब तालियां बजाइए तालियां बजाइए, मैं अभी इतना छिछोरा नहीं हुआ हूँ कि तालियां बजाने के लिए कहूँ, जरा संकोची किस्म का आदमी हूँ, इसलिए जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे मुझे बता दें कि आपको बात अच्छी लग रही है। एक छोटी सी रचना से शुरुआत कर रहा हूँ। हम कितने धार्मिक हैं आदरणीय उदय प्रताप जी विराजे हुए हैं मेरे गुरु की तरह हैं वो, उनको प्रस्तुत उनके सम्मान में, हम कितने धार्मिक हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को ज़रा ज़रा सी बात पे ठेस पहुँच जाती है। मैंने दो किस्से देखे, एक तो हमारा वो कमला हासन बेचारा एक फिल्म बनाई थी और बड़ी मुश्किल से रिलीज कर पाया, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गई थी। और अभी थोड़े दिन पहले संजय लीला भंसाली के साथ भी वही हुआ था। बॉम्बे की दो घटनाओं से, एक फिल्म की पंक्ति से मैं शुरू कर रहा हूं, हास्य रंग की एक मिली जुली देखिएगा चार पंक्तियां, कि एक युवक मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था और एक गीत की पंक्तियां जोर जोर से गा रहा था, चांद चुरा के लाया हूं आ बैठे चर्च के पीछे, चांद चुरा के लाया हूं आ बैठे चर्च के पीछे। तो एक बूढ़े ने रोक कर उस लड़के से कहा टोक कर कि तू गाना गा रहा है या सांप्रदायिक दंगे की भूमिका बना रहा है। वाह 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 वाह, तू गाना गा रहा है या सांप्रदायिक दंगे की भूमिका बना रहा है, तू हिंदू का लड़का
मुसलमानों का चांद चुरा के ईसाइयों की चर्च के पीछे जाकर बैठेगा, तो क्या सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाएगा? भाई अच्छा है, क्या सांप्रदायिक दंगा नहीं हो जाएगा? अच्छा है। पवित्र पुस्तक हो या गाना, जिनको चाहिए लड़ने का बहाना, वो अपने अपने अर्थ गढ़ लेंगे, और देख लेना इस गीत पर भी लड़ लेंगे, देख लेना इस गीत पर भी लड़ लेंगे। मैं जरा संकुचित आदमी हूं, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। जहाँ ठीक लगे, हमें कवि सम्मेलन में दो तरह के पारिश्रमिक मिलते हैं, एक वो पारिश्रमिक जो एक लिफाफे के रूप में मिलता है, उसमें कुछ रुपए होते हैं, दूसरा पारिश्रमिक आपकी तालियां और आपके ठाकों के रूप में हमें मिलता है। लिफाफे वाला जो पारिश्रमिक है वो तो एक दिन खर्च हो जाता है, लेकिन आपकी तालियां आपके ठाके जिंदगी भर हमारे साथ में चलते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ अच्छा लगे, एक और अभी हमारे देश में 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दिनों में जो एक, 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 एक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा हूं, सुनिए सर, कि गांव में नई सड़क बनते देखकर और गली के नुक्कड़ वाली पंचायत की बत्ती जो हमेशा बुझी रहती थी, आज जलते देखकर एक बुढ़िया ने सरपंच से पूछा, बेटा चुनाव होने वाला है क्या? क्या बात, वाह वाह वाह, बेटा चुनाव होने वाला है क्या? अभी 2.5 साल पहले ही तो हुआ था। तो सरपंच ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, यह सब दल बदलू नेताओं के कारण हुआ, उन्होंने दल बदल कर सरकार गिराई, इसलिए चुनाव से पहले चुनाव की नौबत आई। तो बुढ़िया ने जवाब सुन के पंचायत की जलती हुई बत्ती को देखा, नई बनती हुई सड़क को याद किया, और देश के हर दल बदलू नेता को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, बार बार दल बदलो, तुमने हम पर बड़ी कृपा की है, ये पंचायत की बत्ती जो 5 साल बाद जलने वाली थी तुमने 2.5 साल में जलवा दी है। वाह वाह वाह, 2.5 साल में जलवा दी है। और एक हास्य का टुकड़ा देखिए, बच्चों के सवाल बहुत बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक। अब टीवी युग का बच्चा, होमवर्क की पीड़ा आपको पता होगा बच्चों की, होमवर्क की पीड़ा, और टीवी युग का बच्चा 4 पंक्तियां देखिए, कि बच्चे ने पूछा, होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? वाह। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? वाह, आगे आगे की पंक्ति देखिए, आगे की पंक्ति देखिए, बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। वाह, आपने शादी की, आपने शादी की तो मैं आया, बहुत अच्छा, मैं आया तो स्कूल गया, स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला, अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा। और एक छोटी सी कविता मुझे बहुत प्रिय है, अटल भाई वो हाईवे वाली भी सुना। अच्छा, उससे पहले एक बहुत छोटी सी कविता है, आपको पसंद आएगी, लखनऊ में पहली बार सुना रहा हूँ। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। और हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां हैं, हर एक पार्टी के छोटे छोटे नाम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ लिया तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बहुत अच्छा, बस ये कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एक 1.25 मिनट की कविता है, कि एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया, बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया, शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा, तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए,
तू भाकपा तू माकपा, तू भाजपा तू सपा, तू जद तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक तू अद्रमुक, तू तेदे पा हविपा भारीपा दमकीपा, ये सब पार्टियां। हविपा भारीपा दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा, अबे चुप राजपा सजपा बसपा, पहले तमीज सीख करा साले रामो वामो झामुमो। मैं जरा संकोची आदमी आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद, जा फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा, वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वहां पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां। बहुत अच्छा संजय जी। एक कविता मीडिया के ऊपर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मीडिया बहुत महान होता है, किसी को भी महान बना सकता है, जैसे दस्यु सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया, वो कितनी सुंदर थी आपने भी उसकी फोटो देखी होगी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने उसको सुंदरी कहा और हमने उसको मान लिया। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है और कहीं भी बैठे हुए आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। और साथ कई भाग है इसके, लेकिन एक भाग आपके सामने रख रहा हूँ, मीडिया भाग दो के हाईवे के हमदम। हाईवे के हमदम क्या होता है समझ जाएंगे आप, काफ़ी साल पहले की बात है, आदरणीय शिव अंबर जी और मैं, हम दोनों ने सुबह सुबह बाई रोड बाई कार हमने बॉम्बे में प्रवेश किया, तो शिव ओम जी ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ कुछ लोग विशेष मुद्रा में लोटा डिब्बा लिए हुए बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि अटल जी ये कौन लोग हैं। अब मेरे बॉम्बे की इज्जत का सवाल था, तो मैंने कहा भाई साहब आप पहली बार बॉम्बे आए हैं ना, तो आपके स्वागत में बैठे हुए हैं। तो शिव ओम जी बोले कि लौट के मेरे शहर आना, इसे दुगना स्वागत नहीं करवाया तो मेरा नाम शिव ओम साहब। ये हमारे हिंदुस्तान के हर शहर की स्थिति है, अन्ना हजारे अपने हिसाब से एक अवेयरनेस ला रहे हैं, मैं भी इस स्थिति के खिलाफ एक अवेयरनेस लाने के लिए हास्य के माध्यम से मीडिया के माध्यम से एक कविता सुनाया करता हूँ, हाईवे के हमदम। और सरस्वती के मंच पे खड़ा हूँ, विषय मैंने जैसा भी लिया है, लेकिन जिस शालीनता के साथ मैंने इसका निर्वाह किया है, शुद्ध ठाकों वाली रचना है, शुद्ध ठाकों के साथ में जिस शालीनता के साथ मैंने निर्वाह किया है उस पर भी आशीर्वाद चाहूंगा, और आपके ठाके तो मुझे मिलेंगे ही। हाईवे के हमदम शुद्ध हास्यरस का देखिएगा। स्वागत है। हाँ जावेद जी, रमेश जी आप बहुत प्यारा सुनाया आपने मुझे, मैं बिल्कुल मजा आ गया। सुनिएगा सुनिएगा हाईवे के हमदम। शहर के बीच हाईवे का सीन था, सीन प्रातःकालीन था, रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय, यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय, और मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। मैं जरा संकोची आदमी आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा, मुझे पता है कि इन पंक्तियों पे कितनी तालियां बजती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो हर जगह लड़ाई, हाईवे पर भाई भाई। उसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया। कल्पना कीजिए कहां बैठे आदमी का इंटरव्यू ले रहा है, शालीनता भी देखिए और ठाक लगाइए। इसके बाद रिपोर्टर ने अपना रुख दूसरी तरफ किया और एक हाईवे के हमदम का इंटरव्यू लिया, आप यहां क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप यहां क्या कर रहे हैं? जी मैं यहां क्या कर रहा हूं यह तो आप देख ही रहे हैं। जी मैं यहां क्या कर रहा हूं ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा वाह वाह। रिपोर्टर बोला हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम।
इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। हमदम बोला, हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है, लेकिन ये तो कहो, आज फैशन शो की जगह हमारा शो, मजे से फिल्माओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। बहुत अच्छा जी। और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी, हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा। रिपोर्टर ने इंटरव्यू आगे बढ़ाया, ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। वाह, बहुत पुरानी परंपरा हमारी, पंक्ति दे गया। जी महाभारत काल से। पहले यहां एक गांव था, एक दिन शहर आ पहुंचा टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया, नतीजा सामने है, देख लिया, शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। बहुत अच्छा। उस आदमी की ईमानदारी देखिए, सिर्फ शहर को दोष नहीं दे रहा है, शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया, आपने देखा होगा न्यूज रीडर बीच में एक बहुत ही बेवकूफ बुरा सवाल पूछता है, वो सवाल का देखिए और उसका जवाब सुनिएगा। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया, अजय खराब मौसम या बरसात के दिन बाधा पहुंचाते हैं, क्या तब भी ये लोग रोज आते हैं? क्या बात। बोला अजय, क्या बात, बरसात हो या प्रलय रोज आना पड़ता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता। संजय, बहुत अच्छा। संजय बोला, इस जानकारी के लिए शुक्रिया अजय। और अंतिम सवाल में, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, गांव और शहर के बीच जो एक हल्का सा भेद है मैं उसे रेखांकित कर रहा हूं। अंतिम पंक्तियां, अंतिम सवाल क्या रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं, जबकि गांव में आज भी लोग लाज निभाते हैं? तो हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं इसलिए करते हैं लाज, यहां जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। यहां जान पहचान ही नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था, रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती, वहां पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहां कपड़े उतारने में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।